हाँ भाई, चले गए तुम्हारे ना होने वाले ससुराली। ओ दफा कर यार उनको, तू बता तेरा क्या हुआ? बेड़ा घर की हुआ है और क्या। यार मुझे तो लगता है गुल आपा की ना नियत ही नहीं है। नहीं, नियत की बात नहीं है यार, बस टाइम नहीं आया अपना। यार टाइम का तो पता नहीं, मुझे लगता है कि हमारे हाथों में शादी की लकीर ही नहीं है। तुम क्या खीखी करके हंस रही हो? कुछ नहीं। माशाल्लाह, ये भी तकल्लुफ ही किया है तुमने, बाकी की चाय भी ट्रे में गिरा देती। वो हाथ हिल गया था। हाथ नहीं, तुम्हारा दिमाग हिला हुआ है। जाओ सही से साफ करो इसे। आराम से। एक फायर चाचा को पता चल गया ना कि इतने टिश्यू निकालने हैं तो हार्ट अटैक हो जाएगा उन्हें। हम पे हंस रही थी ये। पूरी दुनिया ही हंस रही है हम पे, मेरे दोस्त, एक और बेवकूफ भी सही। किश्वर चाची बता रही थी फिर जॉब से ना कर आया हो तुम। ओ यार मेरे से नहीं होती है अकाउंट्स वगैरह की जॉब। तो सीधी जीएम की पोस्ट तो मिलने से रही तुम्हें। वो बात नहीं है यार, नहीं होती मुझसे अकाउंटेंसी की जॉब। ऊपर से अम्मी ने भी जो है वो जिद लगाई हुई है कि चाचा के पोल्ट्री फार्म के ऊपर बैठ जाओ। अब एमबीए मैंने इसलिए तो नहीं किया था ना कि जाके मैं मुर्गियों की फैमिली प्लानिंग करूंगा। तो मैं भी तो पेस्टिसाइड्स में नौकरी कर रहा हूं, मैं क्या शक्ल से अमेरिकी सुंडी लगता हूं? हाँ पर नहीं यार, नहीं होता मेरे से हिसाब किताब यार। आराम से कोई 9 to 5 वाली जॉब करूंगा किसी ठंडे ठार एसी वाली कंपनी के अंदर, पिक एंड ड्रॉप भी वही दिया करेंगे। लो जी मुबारक हो, बेबे का नया स्टेटस आ गया है, फीलिंग सैड। यार ये क्या कर दिया यार, लगता है इस बार भी रिश्ते से इंकार ही हो गया है। तू ऐसा कर बेटा, चुल्लू भर पानी में डूब मर। हाँ जाके ना मैं इनकी फीलिंग जो सैड है वो सेट करके आता हूँ। सेट करने से पहले मुझे लैपटॉप का चार्जर दे दे। उधर पड़ा है, ले ले।